पूरे भारत से कुपोषण को दूर भगाने के लिए सरकार समय समय पर योजनाएं चलाती रही है। कुपोषण भारत के लिए आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है और इसे दूर करने के लिए भारत को अभी किन किन चुनौतियों से लड़ना होगा, यह सरकार को तय करना है। किंतु इसके लिए स्वाभिमान योजना के अंतर्गत यूनिसेफ के द्वारा यूनिसेफ के कंट्री डॉक्टर यासीन अली हक ने पूर्णिया जिले के कस्बा का दौरा करने के बाद यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर यूनिसेफ के द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को दी और उसी कार्यक्रम के अनुसार आदर्श मध्य विद्यालय कस्बा में पहुंचकर सभी बच्चों से मिलने के बाद स्वच्छता, कुपोषण, पल्स पोलियो, जैविक विधियों से खेती जैसे इत्यादि कार्यक्रमों की जानकारियां बच्चों को भी दी। इस दरमियान स्कूली बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा को दिखाया। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूनिसेफ सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार सहयोग का कार्य करती है। बच्चों में कुपोषण, पल्स पोलियो ये सभी जब तक पड़ोसी मुल्क में चलता रहेगा इसका प्रभाव यहाँ भी पड़ सकता है और पोलियो का वायरस जब तक पड़ोसी देशों से खत्म नहीं हो जाता है तब तक सुरक्षा के तौर पर इसे भारत में भी चलाया जाएगा, क्योंकि लोगों के माइग्रेशन के कारण कभी कभी वायरस उस देश में भी पहुंच जाता है जहां उसकी मौजूदगी पहले से नहीं थी। आदर्श मध्य विद्यालय कस्बा में आकर मैंने बहुत कुछ सीखा आज। मैंने देखा कैसे बाल संसद और मीना मंच काम कर रहे हैं टीचर के साथ मिलकर स्कूल को साफ सुथरा रखने के लिए, बच्चों का हैबिट ग्रो करने के लिए, बच्चों के लाइब्रेरी की हैबिट जो बहुत ज़रूरी है किताब पढ़ने की वो चर्चा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स का खेल हो रहा है और फिर बच्चों को डिफरेंट सेफ्टी के बारे में जो बच्चे अपने आप सीख रहे हैं सिखा रहे हैं। सारी दुनिया में पोलियो जब बंद होगी फिर पल्स पोलियो बंद हो गए, उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से जो रूटीन इम्यूनाइजेशन सिर्फ पोलियो पल्स पोलियो के समय नहीं, बच्चों को जन्म के टाइम पे उसके बाद डेढ़ महीने से जो टीका देना चाहिए इसके बारे में भी बहुत जागरूक करना है। और बिहार में हम बहुत SMNET के माध्यम से बहुत काम कर रहे हैं सरकार के साथ so that we don't need pulse polio when routine immunization will get strong और पड़ोसी देश में जब पोलियो नहीं रहेगा फिर हम बंद कर सकेंगे, लेकिन इतने दिन चलाना रखेंगे।